उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ शहर में भारत चौक पुलिस चौकी मकंदूगंज से महज कुछ कदम की दूरी पर दिन दहाड़े एक सर्राफा व्यवसायी को टप्पेबाजी का शिकार बनना पड़ा। टप्पेबाज सोने के आभूषण से भरा बैग ले गए जिसमें तकरीबन 18 लाख रुपए के जेवर थे। इस घटना को लेकर क्षेत्र के व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मकंदूगंज स्थित भारत चौक की है। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के पास लखनऊ के मातो श्री ज्वेलर्स से आए सर्राफा व्यवसायी शिव नारायण शुक्ला अपने बैग में 237 ग्राम सोने का सैंपल लेकर एक ज्वेलरी की दुकान पर जा रहे थे। तभी 3 से 4 टप्पेबाजों ने पुलिस का रूप धारण कर उन्हें गुमराह किया और उनके बैग में रखा सोने का सैंपल, जिसकी कीमत तकरीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है, चुरा लिया। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक ने घटना का दौरा किया और मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है, जिससे आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की उम्मीद बढ़ गई है। प्रतापगढ़ पुलिस सर्विस सतर्क लगातार चेकिंग दिन दहाड़े। इस वारदात से व्यापारियों में खौफ है और वे पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसी ही घटनाएं होती रही तो उनके व्यापार के लिए मुश्किलें बढ़ती आएंगी। चढ़ने लगे तो वहाँ पे हम जैसे चढ़े, बस एक आदमी ने बुलाया, कहा कि हमको चलो तुमको बुला रहे हैं। मैं कहा कौन बुला रहे हैं? कहें कि इस समय यहाँ पे जहरीली दवाएं बिक रही हैं, तो चेकिंग के लिए सर खड़े हैं आगे और अपना बैग चेक करवा दो। वो बोले कि हम पुलिस वाले हैं। फिर उसके बाद में वो हमें बुला के ले गए बिल्कुल बगल में ही, तो गाड़ी पे उस सर एक लोग खड़े थे, उन्होंने हमारा बैग खोला, मतलब कहे कि बैग दे दो अपना। हमने कहा बैग न लीजिए, क्या करना है बताइए, आप कौन है? कहे कि हम पुलिस वाले हैं और इस समय वो चल रही है चेकिंग चल रही है दवा की। हमने कहा ठीक है। तो एक लोग तब तक और आ गए, उनका भी बैग चेक किए, तो उनका चेक किए, उन्होंने कहा क्या है इसमें, तो कहा कि गोल्ड है। तो उनका बैग चेक करके उनका बैग उनके हवाले कर दिया। फिर वो उनसे कहा ठीक है तुम जाओ, और वो आदमी जो था उन्हीं का मिला हुआ था जो बैग चेक करवा रहा था। फिर हमारा बैग चेक किया, उसमें से पैकेट जो था करीब 237 ग्राम का चैन का पैकेट था। वो पैकेट उन्होंने निकाल लिया, वो कहा चलो कोतवाली चलो। फिर हमें कोतवाली की तरफ लेके गए, चौकी की तरफ। उतने भी हमको चौकी के बाहर ही थोड़ा सा पहले छोड़ दिए और वो गाड़ी पे तेजी से बैठ के तेजी से भाग गए। प्रतापगढ़ से जनमत न्यूज़ के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।